हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली सर्दियों में छोटे बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी की, जिनकी एज 0 to 3 months होती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें अपने छोटे बच्चे के साथ सर्दियों में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका बच्चा हेल्दी रहे, बार बार बीमार ना पड़े, उसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाएं। बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाने से कपड़ों के बीच के हिस्से में हवा ट्रैप हो जाती है, जिससे बच्चे की बॉडी गर्म रहती है और बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता है। बच्चे की जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमेशा कॉटन के कपड़े की होनी चाहिए, जैसे बनियान पहना दिया या टी शर्ट पहना दिया। उसके बाद ही आप वुलन कपड़ों की लेयर्स पहनाइए। और लेयर्स में कपड़े पहनाने का एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप बच्चे के कपड़े की लेयर बढ़ा दीजिए, एक लेयर या दो लेयर, जैसे हिसाब से सर्दी हो रही है उस हिसाब से बढ़ा दीजिए। और अगर गर्मी हो रही है, थोड़ी हल्की गर्मी है, धूप ज़्यादा निकली है, तो आप बच्चे के कपड़े की लेयर कम कर सकते हैं। बच्चा अगर गर्मी फील कर रहा है, कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो आप बच्चे के कपड़ों की लेयर कम कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को सबसे ज़्यादा ठंड सर, सीना, हाथ और पैर से लगती है, इसलिए छोटे बच्चे के इन एरिया को कवर करने का ज़्यादा ध्यान रखिए। बच्चे के सर पे कैप पहनाइए जो बच्चे का सर और कान दोनों कवर रखे। बच्चे के पैरों में सॉक्स पहनाइए। हाथ कवर करने के लिए आप बच्चे के हाथ में मिटन्स पहनाइए। और चेस्ट कवर करने के लिए बच्चे की फर्स्ट लेयर टी शर्ट की पहनाइए, उसके बाद इनर पहनाइए, उसके बाद बच्चे को स्वेटर पहनाइए। इससे बच्चे का चेस्ट प्रॉपर कवर रहता है। और 0 to 6 months के बच्चे को सुलाने के लिए आप स्लीपिंग बैग का भी यूज़ कर सकती हैं। इससे बच्चे की बॉडी प्रॉपर कवर रहती है, बच्चे को अच्छी गर्माहट मिलती है, जिससे बच्चे को अच्छी नींद आती है। और बच्चे को सुलाते समय आप बच्चे का सॉक्स ज़रूर निकाल दें, नहीं तो बच्चे के पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चों को सर्दी के मौसम में अक्सर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे बचने के लिए आप 2 उपाय कर सकती हैं। इसमें फर्स्ट है कि आप जायफल का पेस्ट बनाकर बच्चे के माथे पे लगाइए और उसे 15 से 20 मिनट बाद हटा दीजिए। एक्चुअली जायफल की तासीर गर्म होती है, जो बच्चे को सर्दी जुकाम होने से बचाती है। दूसरा उपाय है कि अजवाइन की पोटली बनाकर आप बच्चे के सर के पास रख दीजिए, इससे बच्चे को नोज़ ब्लॉक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मसाज। सर्दी के मौसम में भी आपको अपने बच्चे की मसाज ज़रूर करनी है। कभी आप ये सोच के ना करें कि आज सर्दी बहुत हो रही है, रहने देते हैं, बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप बच्चे की मसाज करिए, क्योंकि मसाज करने से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे बच्चे को अच्छी गर्माहट मिलती है। और रही बात आपके बच्चे को ठंड ना लग जाए, उसके लिए आप अपने बच्चे की मालिश दोपहर के टाइम में बंद कमरे में करिए। चाहे तो आप कमरे में रूम हीटर ऑन करके रूम को अच्छे से गर्म करके फिर आप अपने बच्चे की मालिश करिए, इससे आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और बच्चे की मालिश आप जैतून के तेल, यानी कि आप अपने बच्चे की मालिश गर्म तासीर वाले तेल, जैसे जैतून का तेल, सरसों का तेल या फिर बादाम रोगन तेल, इन तेलों से आप अपने बच्चे की मालिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को नहलाना। जब आप अपने बच्चे की मसाज कर लेते हैं तो उसके आधे घंटे के बाद आप अपने बच्चे को हल्के गुनगुने पानी से नहलाइए। बहुत गर्म पानी से बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है। और सर्दी के मौसम में आपको अपने छोटे बच्चे को रोज़ाना नहलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार ही नहलाइए। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो भी आप अपने बच्चे को मत नहलाइए, बट आपको अपने बच्चे की मसाज रोज़ करनी है। मसाज के बाद आप अपने बच्चे को स्पंज बांध दीजिए, इससे जो बच्चे की बॉडी में एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। और नहलाने के बाद आप अपने बच्चे की बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगाइए, इससे बच्चे की स्किन ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में आप अपने बच्चे को लेकर 15 से 20 मिनट तक धूप में ज़रूर बैठिए। धूप से बच्चे को विटामिन डी मिलता है और बच्चे की बोन्स स्ट्रांग होती है। बट इसमें ये बात ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को आधे घंटे से ज़्यादा धूप में लेकर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है और बच्चे का स्किन कलर डल हो जाता है। तो कभी आप फिर कहते फिरे कि मेरा बच्चा तो काला हो गया, मेरा बच्चा तो काला हो गया। इसलिए आपको अपने बच्चे को आधे घंटे से ज़्यादा धूप में लेकर नहीं बैठना चाहिए। आप चाहे तो जैसे ग्लास के थ्रू धूप आती है विंडो पे, विंडो के पास आप बैठ के ग्लास के थ्रू धूप आ रही है, इनडायरेक्टली धूप आ रही है मीन्स, तो आप अपने बच्चे को और ज़्यादा लेकर धूप में बैठ सकती हैं। बट डायरेक्टली धूप में आपको अपने बच्चे को आधे घंटे से ज़्यादा लेकर नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को सुलाने वाली जगह पे आप ब्लैंकेट बिछा दीजिए, इससे बच्चे को अच्छी गर्माहट मिलती है।
बच्चों को अपने साथ ही सुलाइए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को साथ में सुलाती हैं तो बच्चे को आपसे गर्माहट मिल जाती है। और अब लास्ट पॉइंट है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप अपने बच्चे को मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में बाहर लेके मत जाइए, सिर्फ दोपहर के टाइम में ही बाहर लेके जाइए। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।